मैं हूँ पिंकी गुप्ता, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, इंडियन स्टाइल पास्ता। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, और आप सब अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो जरूर मुझे लाइक करिएगा। अब हम पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करेंगे, इसके ऊपर टोप भर के पानी रखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल जाएगा, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे इसमें, और अच्छी तरह से पानी को मिला देंगे और उबल जाएगा तो हम इसमें पास्ता डालेंगे। हो चुका है पानी उबल के, अब इसके अंदर हम पास्ता डालेंगे। और अब अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि नीचे ना लगे, और इसको हम चलाते ही रहेंगे क्योंकि इसमें 10 मिनट जाएगा इसको उबलने में अच्छी तरह। अब हमारा 10 मिनट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए हो चुका है हमारा पास्ता। अब इसे अच्छी तरह से हम छान लेंगे इसको। गैस बंद कर दिए, अब इसे निकाल लेंगे, अब छन्नी में छान देंगे। इसे अच्छी तरह से छान लेंगे कि इसका पानी निकल जाए। अब इसका पानी निकाल रहे हैं, पूरा पास्ता का पानी निकाल देंगे अच्छी तरह से, इसका पानी निकल जाए। पानी इसका देख रहे निकल चुका कि नहीं, पास्ता का निकल चुका है। अब इसे अब साइड में उठा के रख देंगे, ये देख सकते हैं, देखो चिपका हुआ नहीं एक दूसरे को पास्ता, और कितना अच्छा है देखो, खिला खिला एकदम से। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग पास्ता का सॉसेज बनाने जा रहे हैं, तो हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रख देंगे, ऑयल लाइट कर देंगे, ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें, अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब जीरा हम डालेंगे इसमें, फिर हम लहसुन हरी मिर्ची डालेंगे। बस हमारा ब्राउन हो चुका है लहसुन और मिर्ची, अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। कांदा अभी हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हल्का नमक डाल देंगे, हमारा टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। ये हमारा टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, बन चुका है, अब इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे, हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उतना आप डाल सकते हैं, और थोड़ा सा हल्का गरम मसाला, मैगी मसाला ऐड कर रहे हैं इसमें, इसमें 2 पैकेट डाली हूँ मैं, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा ही हल्का ही ऐड कर देंगे नमक। अब ये मसाले को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ये हमारा मसाला अच्छी तरह से हो जाएगा तो हम इसमें सब्जी ऐड कर देंगे। अब हमारा मसाला हो चुका है, अब इसमें सब्जी ऐड कर देंगे, गाजर, ये शिमला मिर्ची अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप जो सब्जी पसंद करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर जाएगा, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे बनने में 10 मिनट जाएगा मसाला बनने में। अब हमारी सब्जी बन चुकी है, सब्जी बनने में मेरा 10 मिनट गया, अब इसमें हम पास्ता ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। आस्ते आस्ते मिला लेंगे इसको कि टूट ना पाए।
अभी अच्छी तरह से मिला दिया इसको। टमाटो सॉस डालेंगे, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है टमाटो सॉस डाल देंगे इसमें तो बहुत अच्छे से बच्चे खा लेंगे। और अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, आस्ते आस्ते से मिलाएंगे क्योंकि टूट ना पाए। ये हमारा मसाला, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है पास्ता को, अब बन के रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम धनिया ऐड कर देंगे, फिर हम गैस बंद करके इसे निकाल लेंगे। ये हमारा पास्ता रेडी हो चुका है बन के अच्छी तरह से, अब इसे हम निकाल लेंगे, गैस बंद कर देंगे। अभी पास्ता को हम प्लेट में निकाल लेंगे के ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। हमारी रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है, इंडियन स्टाइल पास्ता। अगर आप सबको अच्छी लगी होगी रेसिपी तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका टेस्ट कैसा है। आपको अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी लेके। और आप सबने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी लेके आती हूँ। जब तक के लिए बाय बाय।